आपको देखिए, अब क्रेट मोनेटा कलुना क्रेट पावल एलारो सेलरोन जो आपके बादल में है वही है कि कौन है, एक बार देख लीजिए, मत लीजिए, देख लीजिए वही है कौन है, देख देख हाँ देख नहीं देख रहे हैं, देखिए देख देख लीजिए एकदम दोनों जन एक दूसरे को देख लीजिए, देख लिए चलिए आप इधर मुंह कर दीजिए। अब मैं पूछता हूं क्रेट पावल एलारो सेलरोन आपको, क्रिस पावल एलारो सेमरोन क्या तुम क्रिस मोनिता कंडुलना को जो तेरे पास खड़ी है अपनी मन की इच्छा और प्रसन्नता से विवाह करने का वचन देता है? जी हाँ मैं वचन देता हूँ। अब मोनिता मैं आपसे पूछता हूँ, क्या क्रिस मोनिता कंडुलना तुम क्रिस्ट पावल एलारोस हेमरोम को जो तेरे पास खड़ा है अपने मन की इच्छा और प्रसन्नता से विवाह करने का वचन देती है? बहन वचन के पावन बेला में विवाह देने में एक दूसरे को वचन दिए हैं, इनके जीवन पर तेरी आशीषों के आने वाला समय में जब विवाह के निमित्त तैयारी करते हैं प्रभु, इनकी तैयारी में तू आशीष प्रदान करने की मार्गदर्शन और अगुवाई करना, हर एक जरूरतों को पूरा करना कि शुद्ध और पवित्र मन से तेरे इच्छा के अनुरूप प्रभु जी विवाह के निमित्त तैयार हो सके, हर रुकावट बाधा विघ्न को दूर करना, उसी रीति से परिवार के प्रिय लोग जो विवाह के निमित्त तैयारी करेंगे सुस्वस्थ और मन में रहकर प्रभु जी विवाह के निमित्त तैयारी हुए भी कर सके, हमारे श्री प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। चला तो जब सल में डहरी अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करते हो कि परमेश्वर की
पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो, क्या तुम इससे प्रेम करोगे, इसका आदर करोगे, और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सुख को छोड़कर केवल इसी के प्रति निष्ठा बने रहोगे और परमेश्वर की सहायता से बोलो परमेश्वर की सहायता से ठीक है धन्यवाद। तो अभी मुनीता का परी है, मुनीता क्या तुम पावर एरोस को अपना विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहो, क्या तुम इससे प्रेम करोगी, इसका आदर करोगी, और जब तक तुम दोनों जीवित रहो अन्य सबको छोड़ कर केवल इसी के प्रति निष्ठावान बने बनी रहेगी। परमेश्वर की सहायता से मैं ऐसा ही करूंगी, ठीक है धन्यवाद। मैं पावल एलारुस, तुझ मुनीता को अपनी विधिवत विवाहित पत्नी स्वीकार करता हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में और सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे अपना बनाए रखूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा, तेरी शुद्धि लूंगा, और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने तुझे यह वचन देता हूँ, आमीन। पावर के दाहिने हाथ को पकड़ो, ठीक है उसको रख दीजिए थोड़ा समय के लिए, एक हाथ से उसको पकड़ लीजिए। मैं मुनीता तुझ पावल इलारुस को अपनी विधिवत विवाहित पति स्वीकार करती हूँ, इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे, दुख में और सुख में, धन में और निर्धनता में, रोग में और आरोग्य में तुझे यह वचन देती हूँ और बनाए रखूंगी, तुझसे प्रेम करूंगी, तेरी शुद्धि लूंगी और इसका मैं परमेश्वर और इन साक्षियों के सामने ये वचन देती हूँ, आमीन। अभी सुने मुनीता कंडोना ने पावर एलारोस के लिए दिए वो विवाह की प्रतिज्ञा का वचन दिए, अब हम इनके जो चिन्ह विवाह के प्रतीक चिन्ह अंगूठी और माला लाएंगे। शिविर पिता परमेश्वर तुम्हें और इलारुस सिमरन को और मुनीता कानूना को शादी विवाह के द्वारा से पति पत्नी जोड़ दिया है और एक दूसरे को अंगूठी पहनाकर एक पति पत्नी का चिन्ह और पति पत्नी के रूप में जीवन भर बांधे रहने के लिए एक चिन्ह प्रदान करेंगे। इसलिए प्रभु परमेश्वर इस चिन्हों को इस चिन्ह अर्थात अंगूठी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ और इसको इस समय ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से इसे मैं संस्कार करता हूँ, आमीन। प्रभु परमेश्वर तूने कहा प्रभु यीशु को अपने गले का हार बनाओ, हाँ प्रभु इस समय ये शादी ब्याह उनका संपन्न हो गई, अब ये एक दूसरे को माला पहना कर एक दूसरे का भार को जीवन भर के लिए उठाएंगे, इसलिए ये माला जीवन भार एक दूसरे के भार उठाने का एक पहचान चिन्ह है, इसलिए इस माला को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ और इसको इस समय मैं सब पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से इससे मैं संस्कार करता हूँ, आमीन। इस समय पावल लारुस एक अंगूठी लीजिए और इनके बाया हाथ पे चौथा अंगूठी में पहना ही लिंगा लिंगा में हाथ हाथ ये अंगूठी में
मुनीता और एरा उसके दाहिने हाथों के चौथा अंगूठी में पहनाएंगे एक अंगूठी ले लीजिए। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी तुझे देती हूँ। आमीन। और इरादा स्वीकार करेंगे। मैं परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में हमारे विवाह के चिन्ह स्वरूप यह अंगूठी ग्रहण करता हूँ। आमीन। आमीन। कानून आपको पहनाएंगे उस समय आप ताली बजाएंगे। आप बोलिए मैं तेरा हूँ और तू मेरी है और तू मेरी है। परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, कोई मनुष्य अलग ना करे, कोई मनुष्य अलग ना करे। मैं तेरा हूँ और तू मेरी है। परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, हमें कोई अलग ना करे। पावल एलारो सेम्ब्रम और मुनीता कांडुना ने परमेश्वर और आप सब साक्षियों के समय के दूसरे से अपनी प्रतिज्ञा की और अपना वचन दिया। एक दूसरे का हाथ पकड़ने और अंगूठियां और माला पहनाने के द्वारा और देने के द्वारा और लेने के द्वारा विवाह के लिए अपनी सहमति प्रकट किए। इसलिए परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में इन्हें पति पत्नी घोषित करता हूँ। जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है वो उन्हें कोई मनुष्य अलग न करे। आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को नर और नारी बनाकर उन्हें आशीष देकर कहा फूलो और फलो और भर जा, तो इन्हें हम इस समय आशीष से परिपूर्ण करेंगे। परमेश्वर पिता परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारा मार्गदर्शन करे। प्रभु अपने अनुग्रह की भरपूरी वर्षा तुम दोनों पर करे, जिससे तुम दोनों उनकी शांति में जीवन भर साथ रहो और अंत में उनकी दया से अनंत जीवन प्राप्त कर सको। सर्वशक्तिमान पिता के पुत्र की पवित्र आत्मा के आशीष तुम दोनों पर सदा सर्वदा बने रहे। आमीन। ठीक है, उठ जाओ। ईशा भी संपन्न हो गई है, चलो हाथ मिलाओ। तो गॉड ब्लेस यू, नया जीवन मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू, नया जीवन मुबारक हो। ठीक है। Sunday.